और पांडव कालीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर भीमताल के दर्शन कराता हूँ आपको। श्री भीमेश्वर महादेव के दर्शन कराता हूँ मैं आज आपको। देख रहे हैं भीमेश्वर महादेव जी का मंदिर भोलेनाथ का। पीपल का पेड़ है, नवग्रहों का मंदिर भी है यहाँ पर। हर हर महादेव। आप भीमेश्वर महादेव जी के पावन मंदिर पर हूँ और नवग्रहों का मंदिर है देख रहे हैं। और ये पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा पीपल का पेड़। और भीमेश्वर महादेव जी का ये पावन मंदिर है देख रहे हैं। हर हर महादेव। काचुली देवी मंदिर भीमताल का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं। और जो तालाब के बीच में देख रहे हैं, काचुली माता का स्थान है यहाँ पर, जहाँ पर त्रिशूल लगाया हुआ है, बहुत सुंदर। और भीमताल का सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाड़ू के दिन हैं और देख रहे हैं काचुली देवी मंदिर। कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से, इस स्थान पर स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक होते हैं। जिनको चर्म रोग हो जाता है, यहाँ पर स्नान करते हैं तो उनके चर्म रोग भी ठीक होते हैं। तो कई लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। और काचुली देवी माता का मंदिर दिखा रहा हूँ मैं आपको ये। और अंदर माता के दर्शन कराता हूँ। यह काचुली माता